हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश महाराज आप सबका स्वागत करता हूँ। काफी लोग कमेंट में लिखते हैं और भगवान के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं, माताओं के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं, तो ये वीडियो उन सबके लिए है। आप इस वीडियो को आप देखें और समझें और समझकर कमेंट करें। अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। आपके जैसे लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो है, आप इसे देखें और समझें और सुने। एक समय की बात है, एक जगह पे सत्संग हो रहा था। उस सत्संग के अंदर कम से कम 2500 से 3000 भक्त बैठे हुए थे, प्रवचन को सुन रहे थे। उनके प्रवचन को सुनते 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 एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो जो गुरु महाराज थे, जो महंत थे, उनको बोल रहे हैं कि गुरुवर एक बात बताइए, मुझे एक सवाल है, जवाब आपको देना है, कृपया करके बताइए मुझे। तो उन्होंने बोला, भाई अचानक इसको क्या हो गया, मतलब प्रवचन करते करते बीच में टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, ये नियम का उल्लंघन कर रहा है। मतलब इसे इतना भी नहीं मालूम है कि सत्संग चल रहा है, उस दौरान उठकर सवाल जवाब कर रहा है। फिर भी उन्होंने अपने माइंड को शांत रखा और बोला कि बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तब उस व्यक्ति ने उन महाराज से पूछा कि ये जो पापी हैं, ये दुनिया को लूटते हैं, घसीटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, दुनियादारी करते हैं, ये बड़े आराम से रहते हैं, और हमारे जैसा लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं, वहां के यहाँ पे मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, घर पे पूजा करते हैं, हम लोग दुखी हैं। तो महाराज जी का जवाब था कि आपने सही कहा, वो लोग मार रहे, काट रहे, लूट रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, और आप पूजा पाठ करते हैं, आप दुखी हैं। फिर भी आगे आप बोले वो कैसे, बोले वो लूट रहा है, मार रहा है, घसीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी जो पिछले जन्म की जो पुण्य था, उस पुण्य को इस जन्म में खत्म कर रहा है। जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मकोड़े पड़ जाएंगे, उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा, उसका बाल बच्चा उसे छोड़ के चला जाएगा, ये हरकतें उनके साथ में होगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन हम लोगों का क्या है। तो महाराज जी ने जवाब दिया, देखिए आप सब पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सन्निधि में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसका आप का अवस्था इस समय तो ये नहीं रहा कि आप कुछ सुकून से रह सके। जो घर के अंदर होता है वही आपको खाने के लिए मिलता है, जो खेती करोगे, जो बोओगे, वही काटोगे आप। लेकिन मेहनत करते हुए आपको भगवान के अंदर रुचि है, जब तुम्हारा समय आएगा, जब तुम्हें सुख मिलना स्टार्ट होगा, तो आप उस सुख को अनुभव करो। भगवान कभी भी किसी के साथ में छल कपट नहीं करता, उसकी आंखें एक ही तरीके से दिखता हो, पापी को भी एक ही आंखों से देखता है और पुण्य आत्माओं को भी एक ही आंखों से देखता है। आपको अपने घर के अंदर अचानक तरक्की मिल जाएगी, आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर दोगे, वो भगवान का ही देना है। तो आप इसमें उनसे लाख गुना अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने बोला, नहीं 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 महाराज नहीं, वो जो व्यक्ति चोरी चमारी करता है, लोगों को काटता है, लूटता है, मारता है, उसे तो भगवान को मार देना चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। फिर उन्होंने जवाब दिया, महाराज जी ने बोला, एक बात बताइए, आपका बेटा जब घर पे शाम के टाइम पे आता है, उस व्यक्ति ने बोला हाँ आता है, दारू पीकर आता है और आपको गालियां भी देता है और आपको कभी कभी मार भी देता है। तो बोला हाँ ये तो मेरा बेटा मेरे साथ में करता है। तब महाराज जी ने बोला, तो क्या आप अपने बेटे को मार दोगे, काट दोगे, आप उसे जान से मार दो, काट दो उसे। अरे बाबा जी वो तो मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, ना ना ये गलत है, कितना भी है तो वो मेरा बेटा है। तब उस जजमान ने बोला, जब दारू पी के आपका लड़का आता है, आपको गालियां देता, आपको मारता है, जब मारने की बात मैंने कही तो आपने बोला वो तो मेरा बेटा है, नहीं नहीं ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये मतलब ये गंदे चीजें हैं, तो ये पूरा संसार उस मालिक का बेटा है, उस मालिक का बच्चा है, दंड देना उसका कार्य है और उसे अच्छे रास्ते पे भी लाना उसका कार्य है। उसके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रहों को क्यों बनाया गया है, कोई भी ग्रह बिना काम का नहीं है, हर एक ग्रहों को एक कार्य सौंपा गया है कि कब किसको क्या हानि पहुंचाना है, कब किसको कहां तरक्की पे भेजना है, कब किसको घर पे बिठा देना है, पलंग पे सुला देना है, ये ग्रहों का काम होता है। इसीलिए ऊपर वाले ने सबका जिम्मेदारी सारे ग्रहों को दे के रखा है, सारे शक्तियों को दे के रखा है कि अगर वो अपनी गलती एहसास करता है और आके सरेंडर कर देता है, अपने सामने झुक जाता है, तो आदिशक्ति हो, चाहे हमारे शिव जी हो, चाहे भैरव जी, चाहे हनुमान जी, चाहे विष्णु भगवान, वो माफ करते हैं। उनका कार्य है कि आप अपनी सच्चाई अपने जुबान से बोलो और आप पछतावा भी करो।
तो उसका मार्ग अचानक आपके सामने आ जाएगा। तो उस जजमान ने जो एक आम इंसान को बताया, उसी तरीके से आप सब भी समझें। भगवान कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता। जब हम पापी रहते हैं, पिछले जन्मों में पाप करके आते हैं, तो इस जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। सिर्फ एक बस्ता है आपके लिए, क्या है वो? मोक्ष। जब मोक्ष आपको मिल जाएगा तो आप पृथ्वी पे नहीं आएंगे, आप उनके बीच में रहेंगे। तो भगवान को आप दोषी ना दें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप सबसे। भगवान हर एक इंसान के दिल में है, अगर आप अपने दिल में जगाना चाहते हैं तो जग जाएगा। दिल साफ होना चाहिए आपका। और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव।